हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज डेटशीट अनाउंस होनी थी तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए डेटशीट आ गई है। मतलब हमारी डेटशीट हमारे सामने है। 4 मई को क्या है, इंग्लिश का है। 8 मई को जो है फिजिकल एजुकेशन का, 13 मई को फिजिक्स का, और 18 मई को केमिस्ट्री का, 24 मई को बायोलॉजी, और 1 जून को मैथमेटिक्स, 29 को जो है वो कंप्यूटर साइंस, 31 को हमारा जो हिंदी है। तो इसके बीच में हमारा 4 दिन का गैप मिल गया, और इसके बीच में भी 4 दिन का गैप मिल गया। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में काफ़ी गैप है, और बायोलॉजी का थोड़ा सा 6 दिन का गैप है, अराउंड 5 दिन बोल सकते हैं। 6 दिन तो पेपर ही 10:30 से 1:30 बजे तक। तो ये आपको डेटशीट आपकी जो भी है वो उतार लें, स्क्रीनशॉट जैसा भी लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, और अभी आप तैयारियों में लग जाएं। जो भी बच्चे जो भी सब्जेक्ट जिसको लगता है अभी मेरा कमज़ोर है, या उसको मेरे को थोड़े तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है, उसके लिए हम स्ट्रेटजी रेडी करके आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है वो आप वैसा उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।